नमस्कार बच्चों, आज का जो इंपोर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, वो है सार्थक क्रम, अर्थात अर्थपूर्ण क्रम में जब किसी सेंटेंस को लगाया जाता है, ये वाक्य जो है, ये शब्द दिए गए हैं, इनको एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। अरेंजमेंट इज लॉजिकल ऑर्डर, जो पहले आता है उसको सबसे पहले लगाएंगे और जो बाद में आता है उसको बाद में लगाएंगे। तो ये जो है रीजनिंग का इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो आप इसको समझने से पहले आप ये समझिए, आपने पढ़ा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा, यानी जो चीज पहले हुई है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर बाद में, फिर बाद में, फिर बाद में, यानी जो काम पहले होता है उसको सबसे पहले लगाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में, यानी पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो इस टाइप से जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होता है इनको, अर्थात सार्थक क्रम। जब हम किसी को अर्थपूर्ण, जैसे उनका जो सिस्टम बैठता है, जैसे आपको पता है एक छोटा सा बीज होता है, चाहे गेहूं का बीज हो या किसी का बीज हो, फल का हो सकता है, सब्जी का, उस छोटे से बीज को हम पहले उसको जो है खेत में डालते हैं, उसमें खाद पानी डालते हैं, तो वो छोटा बीज होता है। बीज होने के बाद वो जो है छोटा सा उसमें जो है पौधा बनता है, पौधा जो है बड़ा होता है और भी बड़ा होने का उसमें फल या फूल लगते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, बीज। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी ये चार सेंटेंस दिए गए हैं आपको, चार ये वाक्य, वन शब्द, पैराग्राफ, इनको एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। सार्थक क्रम का मतलब था अर्थपूर्ण क्रम में, अर्थात जो चीज पहले आती है उसको पहले लगाएंगे, फिर जो उसके बाद आती है उसको उसके बाद लगाएंगे। तो आप क्वेश्चन से देखते रहिए और आप सीखते जाएंगे। तो आपको पता है वाक्य, वर्ण, शब्द, पैराग्राफ, सबसे पहले जैसे क है या म है या ल है, तो ये वर्ण होते हैं। जैसे क एक वर्ण है, म भी एक वर्ण है और ल भी एक वर्ण है, यानी ये सब जो है वर्ण है। क अलग वर्ण है, म अलग है, ल अलग है, ये वर्ण को शो करते हैं। अब इन्हीं वर्ण को मिलाकर, जब वर्ण से वर्ण मिलते हैं, तो वर्ण से वर्ण मिलने के बाद बनते हैं शब्द, यानी एक शब्द बन गया। जब क, म, ल इनको हमने जोड़ दिया, तो वर्ण से वर्ण को जोड़ दिया, तो बन जाता है ये शब्द। तो सबसे पहले होता है वर्ण, वर्णों के जो मेल से जो बनता है वो बनता है शब्द, और शब्दों के मेल से बनता है वाक्य। वाक्य जैसे कमल ने खाना खाया, तो कमल एक शब्द है जिसमें क वर्ण है, कमल ने खाना खाया, तो एक वाक्य बन गया। इसी प्रकार जो है वाक्यों के मेल से बनता है पैराग्राफ, जैसे कमल ने खाना खाया, राम विद्यालय गया, तो इन सबको मिला देंगे बहुत सारे वाक्यों को, तो वो पैराग्राफ बनता है। तो इनका जो अर्थपूर्ण सार्थक क्रम होगा, सबसे पहले होगा वर्ण, तो वर्ण सबसे पहले होता है, कि वर्णों के मेल से जो बनता है वो बनता है शब्द, और शब्दों के मेल से जो बनता है वो बनता है वाक्य, और वाक्यों के मेल से जो बनता है वो बनता है पैराग्राफ। तो इस प्रकार इसका जो सार्थक क्रम है वो इस टाइप से है। तो वर्ण का जो क्रम है वो 2 है, शब्द का क्रम 3 है, वाक्य का क्रम 1 है, और पैराग्राफ का, तो हमारा आंसर आ गया 2, 3, 1, 4। तो सार्थक क्रम को आप समझ में आ गया, जो सबसे पहले होता है। सबसे पहले जैसे राम है, तो इसमें जो है र आती मात्रा, म ये जो है वर्ण है। जैसे नल है, तो नौ वर्ण है, लौ भी वर्ण है, वर्ण वर्ण से मिलकर जो है, जब नौ और लौ वर्ण मिले, तो नल जो है एक शब्द बन गया, नल चिपकाने से। अब नल शब्द बन गया, नल में पानी आता है, तो ये जो है वाक्य बन गया, नल में पानी आता है, और ऐसे बहुत सारे वाक्यों से मिल से बढ़ क्या बनता है, शब्द। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका, देश। तो आपको पता है परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका, परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका, देश, इसमें जो सबसे छोटी इकाई है आपको पता है सदस्य है। सदस्य मतलब जो परिवार के मेंबर होते हैं छोटे से, जैसे मम्मी हो सकती है या पापा हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, मैं स्वयं हो सकता हूं। तो सबसे पहले आता है सदस्य, यानी सबसे छोटी जो इकाई है। तो मैंने बताया था सबसे छोटे को पहले लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी जो चीज पहले होती है उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले होता है सदस्य। सदस्य जैसे एक परिवार में 4 सदस्य हो सकते हैं, मम्मी, पापा, भाई, बहन, तो सदस्य हो गया। सदस्य से मिलकर बनता है परिवार, सदस्य से मिलकर बनता है परिवार, और सदस्य ये रहा परिवार बना, परिवार से बनकर बनेगा समुदाय। समुदाय का मतलब वहां कितने लोग रहते हैं, समुदाय बनेगा, और जब बहुत ज्यादा समुदाय के लोग मिलते हैं तो उसको, उस जगह को कहते हैं इलाका, और लास्ट बनता है देश। तो सबसे पहले सदस्य होते हैं, जैसे मम्मी पापा, वो उनको मिला दे तो परिवार बन गया। परिवार मिलने से जो है बहुत सारे परिवार मिल जाता है, तो एक समुदाय रहते हैं, उस समुदाय की तरह रहते हैं, गांव जैसा बन जाता है, फिर गांव से बनता है इलाका, और इलाका से बनता है देश। तो इसका जो ऑर्डर आ गया, सदस्य का जो ऑप्शन है वो सी, परिवार का जो है ए, और समुदाय का बी, और इलाका डी और ई। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया सी ए बी डी ई। तो इसका जो सार्थक क्रम है वो इस टाइप से है।
अगला क्वेश्चन है थर्ड का, भ्रूण, बच्चा, शिशु, प्रौढ़, युवा। अब इनको समझते हैं भ्रूण किसे कहते हैं। जब कोई बच्चा 9 महीने जो है अपनी मम्मी के पेट में रहता है तो उसे भ्रूणावस्था कहते हैं, यानी जब वो संसार में नहीं आया होता तो अपनी माँ के कोख में रहता है 9 महीने तो उसको भ्रूण कहते हैं। आपको पता है सबसे पहले जो है वो पेट में रहता है तो उसको भ्रूण कहते हैं, यानी भ्रूण सबसे पहले होता है, ये फर्स्ट नंबर पर होता है। भ्रूण के बाद जो थोड़ा बड़ा बच्चा होता है जब पैदा हो जाता है तो उसको कहते हैं शिशु। भ्रूण के बाद शिशु बनता है, शिशु के बाद जो है वो बच्चा होता है, बच्चे के बाद वो युवा होता है यानी यूथ होता है, और लास्ट में वो जो है प्रौढ़ कहलाता है। प्रौढ़ मतलब था बूढ़ा, ये जो प्रौढ़ लिखा है प्रौढ़ का मतलब था बूढ़ा आदमी। तो दोबारा बता देता हूं, सबसे पहले भ्रूण आएगा, तो भ्रूण जो है सबसे पहले आएगा, यानी इसका नंबर एक हो गया भ्रूण सबसे पहले। दूसरे नंबर पर आएगा शिशु, क्योंकि भ्रूण के बाद जब वो छोटा बच्चा होता है तो उसको कहते हैं नवजात शिशु, तो नवजात शिशु यानी सी। शिशु के बाद वो बनता है बच्चा, यानी जिस स्कूल में जिस टाइम वो बच्चे स्कूल जा रहा होता है उस एज पीरियड को कहते हैं बच्चा। फिर बच्चे के बाद जो है वो बनता है युवा, और युवा के बाद बनता है वो प्रो। तो इसका जो क्रम आ गया वो आ गया ए सी बी ई डी। किस प्रकार आया, तो ए मतलब भ्रूण, सबसे पहले भ्रूण बना, भ्रूण के बाद वो बनता है शिशु, ये रहा शिशु, शिशु के बाद बनता है बच्चा, और बच्चे के बाद बनता है युवा, और युवा के बाद बनता है प्रौढ़। तो सिस्टमैटिक ढंग का मतलब था जो सबसे पहले आएगा उसको पहले लगाएंगे, धीरे 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 जो बाद में आया उसको बाद में लगाएंगे। तो सबसे पहले भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण पैदा होने के बाद शिशु बनता है, शिशु के बाद बच्चा, बच्चे के बाद युवा, फिर प्रौढ़। तो इनका क्रम हो जाएगा ए सी बी ई डी। अगला देखते हैं दूध गाय लस्सी गाय, दूध घास लस्सी गाय। तो आपको पता है इसमें दूध घास लस्सी गाय में सबसे पहले क्या होगी, तो आपको पता है सबसे पहले घास होगी, और घास को खाएगा गाय, जब घास को खाया गाय ने तब वो देगी दूध, और दूध को जब हम जमाएंगे तो वो बनेगी दही, और दही को मथने के बाद बनता है लस्सी। तो इसका जो ऑर्डर होगा सबसे पहले होगा घास, अगर घास होगी तभी उसको गाय खाएगा, और गाय फिर क्या देगी दूध, और दूध के बाद बनेगा लस्सी। तो सबसे जो ऑर्डर होगा वो होगा सबसे पहले वो होगा घास, यानी सबसे पहले घास होगा, घास को खाएगी गाय, और गाय फिर देगी दूध, और दूध फिर से बनेगा दही और लस्सी। तो इसका जो सार्थक क्रम है और लॉजिकल ऑर्डर में अर्थपूर्ण ढंग से वो घास गाय दूध लस्सी। तो घास का जो क्रम है वो सबसे पहले है बी, घास का क्रम बी, गाय का क्रम है डी, दूध का क्रम है ए, और लस्सी का क्रम है सी। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया बी डी ए सी। तो सार्थक क्रम मतलब दोबारा बता देता हूं, इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, जो चीज पहले होती है उसको पहले लिखना होता है। अगर आपको मेरी जो है वीडियो पसंद आ रही है, मैंने पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि जो है मैं और भी ज़्यादा जो है वीडियो बनाऊंगा और भी ज़्यादा जो है मोटिवेट होकर जो है और भी टॉपिक पर जो है छूंगा। तो पांचवा क्वेश्चन करते हैं। अब पूरा क्वेश्चन जैसे पेपर में आता है उस हिसाब से आपको जो है समझाने की कोशिश की है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प, ये आपको विकल्प दिए हैं ए बी सी डी, कौन सा विकल्प दिए गए प्रश्न में शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, यानी कौन सा इसमें जो है सिस्टमैटिक पैटर्न दिखा रहा है कि अर्थपूर्ण, अर्थात अगर उनको जो अरेंजमेंट किया जाए तो कौन पहले आएगा, कौन उसके बाद आएगा, कौन उसके बाद आएगा, इसका जो है आपको पैटर्न बताना है। तो महासागर, तालाब, नदी, समुद्र। तो आपको पता है महासागर, तालाब, नदी, समुद्र, तो सबसे पहले आपको पता है सबसे पहले होता क्या है, तो आपको पता है सबसे पहले तालाब होता है। तालाब एक जो है एक भूमि के बीच में एक छोटा सा जो एरिया होता है जिसमें पानी भरा रहता है, जैसे अगर माना ये चारों ओर भूमि है तो उसमें बीच में गड्ढा किया जाए और इस गड्ढे में जो बीच में है ये तालाब को बताता है। इस तालाब से जो है नदियां निकलती हैं और तालाब से बड़ी जो होती है वो नदी होती है। ये नदियां जो है बहकर जो है समुद्र में जाती हैं और समुद्र से ये जो है महासागर बनते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले तालाब होता है, यानी सबसे छोटा, इसमें जो सबसे छोटा होगा वो तालाब होगा, तालाब से जो बड़ी होती है वो नदी होती है, और नदी से जो बड़ी होती है, नदियां जो बहकर जाती हैं समुद्र में जाती हैं, और समुद्र से जो बड़े होते हैं वो महासागर होते हैं। तो सबसे जो छोटा है इनमें सबसे छोटा वो है तालाब, यानी तालाब जो है फर्स्ट नंबर पर आया, तालाब सबसे छोटा है, उससे जो थोड़ा बड़ा है वो है सेकेंड नंबर पर नदी, और तीसरे नंबर पर है समुद्र, और समुद्र से मेकअप बनता है महासागर। तो आपको पता चल गया सबसे पहले तालाब बना, तालाब का जो ऑर्डर है वो है बी, तो बी वाला जो सबसे स्टार्टिंग में है वो ऑप्शन बी में ही मिल गया हमको। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सबसे छोटा होता है तालाब, और तालाब से जो बड़ा होता है वो होता है नदी,
और नदी से जो बड़ी होती है वो समुद्र, और समुद्र से जो बड़ा होता है वो महासागर होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा तालाब, नदी, समुद्र, समुद्र। अब तालाब का जो सीरियल देखिए वो देखिए बी, नदी का सी, समुद्र का डी और महासागर का ए। तो आपके पास ऑर्डर बन गया बी सी डी ए। तो बी सी डी ए कहां पर है? ऑप्शन बी में। आपको मजा आ रहा होगा, आप समझ रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वर्ग रेखा कोण त्रिभुज बिंदु। तो आपको पता है कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे जो छोटी ज्योमेट्रिकल होती है वो होती है बिंदु। तो ये सबसे छोटा जो होता है बिंदु, बिंदु मतलब जिसकी कोई छोटी, ये पॉइंट यानी जो किसी की पोजीशन को बताता है, अर्थात जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, केवल एक पोजीशन को बताता है, सबसे पहले होता है बिंदु, और बिंदु के बाद होता है रेखा। ये जैसे बिंदु है, ये भी बिंदु है, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दिया तो ये बन गया रेखा। जैसे ये बिंदु था, यहां पर एक बिंदु और मिला दिया तो ये बन गया रेखा। बिंदु से रेखा बनती है, और रेखाओं के मिलने से जो इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइंस, दैट इज कॉल्ड एंगल। अब ये एक रेखा ही आई, एक रेखा ही आई, तो जो एंगल बना इसको कोण कहते हैं। तो कोण बन गया, कोण से बनता है त्रिभुज, और त्रिभुज के बाद बनता है वर्ग। तो सबसे पहले जो होती है वो होता है बिंदु, यानी बिंदु सबसे छोटा होता है। और आप देख भी सकते हैं, मैं चारों की चित्र बना दे रहा हूं, ये जो है बिंदु को शो कर रहा है, और ये जो है लाइन को शो कर रहा है, और तीसरे नंबर पर रहेगा कोण, ये कोण को बता रहा है, चौथे नंबर पर रहेगा त्रिभुज, और पांचवें नंबर पर रहेगा वर्ग। तो इस प्रकार आपने देखा सबसे जो छोटी होती है वो होता है बिंदु, तो उसका जो क्रम है वो है ई। तो ई वाला फर्स्ट नंबर पर कौन है? ऑप्शन सी। तो सबसे छोटा बिंदु, बिंदु के बाद रेखा, रेखा के बाद कोण, कोण के बाद त्रिभुज, त्रिभुज के बाद वर्ग। तो सबसे छोटा जो बना तो उसका ऑर्डर आ गया ई बी सी डी ई। ई बिंदु को बता रहा है, बी रेखा को बता रहा है, सी जो है कोण को बता रहा है, डी त्रिभुज को, और ए वर्ग को। तो इस प्रकार हमने सार्थक क्रम जो है सीखा, इस प्रकार हम जो है सॉल्व कर सकते हैं।